चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की घोषणा के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कुम्हाई नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर किए जाने वाले नगर पालिका का घेराव व आम सभा के कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप से सीमित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। और यहाँ के पक्ष के जो पार्षद है और महानगर पालिका के अध्यक्ष है, टोटल कुम्हाई नगर पालिका में टेंडर के नाम पे जो भ्रष्टाचार जो रिंग बना करके जो काम दिया जा रहा है ठेकेदारों को, और जैसा टेंडर खुलना है 18 तारीख को और काम चालू हो जाता है 12 तारीख को, तो भाई 5 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि बिना टेंडर खुले कि वो काम उसी ठेकेदार को मिला है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के भ्रष्टाचार कुम्हाई नगर पालिका में आए दिन देखने को मिल रहा है, और जो विपक्ष के पार्षद है भाजपा के, उसका बिल्कुल काम होने दिया नहीं जा रहा है और उसको हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है यहाँ के पालिका अध्यक्ष के द्वारा। कांग्रेस कहती है कि आप लोग विकास विरोधी हैं। हम लोग अगर विकास विरोधी होते तो अभी तक हम लोग बहुत पहले ही यहाँ पे और बहुत सारे मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन करें। कभी हम भाजपा कभी विकास विरोधी कभी रहा ही नहीं है, ना कभी रहेगा। मैं पालिका अध्यक्ष को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मेरे द्वारा ग्राम जंगली के महिलाओं को ला करके मटका लेकर के यहाँ पे पानी के संबंध में धरना दिया गया था, तो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी पालिका अध्यक्ष द्वारा कैमरा में यहाँ तक चेक किया जाता है कि कौन कौन महिला आया है और उसको घर में जाके प्रताड़ित किया जाता है कि आप लोग के साथ क्यों आए, हमें बताओ समस्या। हर कोई महिला वार्ड में जाके पालिका अध्यक्ष का वार्ड में भ्रमण होता है, अगर महिला जाकर अपना समस्या बता दे तो उसका कलेक्टर ऑफिस तक शिकायत किया जाता है यहाँ पर। आप लोग क्या मानते हैं, विकास हुआ है कि नहीं हुआ कुम्हारी? देखिए, कुम्हारी पालिका में जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे, वो आम जन को सबको पता है चीज़ कितना यहाँ कुम्हारी पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है। कर रहे हैं तो विकास वाकई में सड़कों में दिख रहा है, क्योंकि नरवा गरवा भुरवा बाड़ी जो है ना, गरवा जो है वो सड़क पे है, भुरवा में कुछ नहीं रहा, वो तो घुरवा पहले भी रहता था, अभी की बात नहीं है। हमारे पूर्वज के समय में घुरवा रहता था, वहाँ खाद बनाया जाता था, उसको डाला जाता था, पहली बात। दूसरी बात, वाकई में ये विकास कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर कहीं लगता है कि भाजपा के यहाँ पे कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए बात किसी प्रकार से केस किया जाता है। रिसेंटली अभी मुझे थाना बुलाया जा रहा है, हमारी कॉलोनी में एक छोटी सी उसकी प्यादा है, उसके द्वारा मुझे कहा गया है कि मैंने उसके गाली गलौज करके उसको मार पिटाई की। सब पूरी मेरी कॉलोनी की, मेरी एसोसिएशन की मेंबर्स हैं, हम भी यहाँ पे एक तो भाजपा के हम कार्यकर्ता भी हैं और समर्थन के लिए भी आए थे कि नहीं, हमें हमारी मांग है उसको पूरा कीजिए। यहाँ पे वादे किए जाते हैं पर वादे पूरे नहीं किए जाते, इसलिए विकास की बात तो मत कीजिए। ठीक है, उन्होंने बड़ा तरिया बनाया, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की, पब्लिसिटी में पैसा करने खर्च करने से कुछ नहीं होता, जो भी पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। आप ऐसा कार्य कीजिए कि हम अपने रिश्तेदारों को बताएं कि अरे भाई हमारे यहाँ बड़ा तरिया है, आप आइए और देखिए, ये नहीं कि आप पूरे नेशनल लेवल पे आप कर दिए, लोग हमसे पूछ रहे हैं अरे बड़ा तरिया, बड़ा तरिया क्या है, मैत्री गार्डन में जो है वो बड़ा तरिया में है, बाकी और कुछ नहीं है। सड़क के किनारे उन्होंने उसको विकास डेवलप किया हुआ है, जो कि बहुत गलत जगह है भाई। हम अगर मान लो गलत चीज़ को हम गलत कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? भाजपा कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा से जो कार्यकर्ता आवाज़ उठाते हैं उनको जो दबाया जाता है।